तो सुबह सुबह का नजारा कुछ ऐसा है, एकदम से फॉग आ चुका होगा लंच पे। और मैं उठ गया था 6:10 पे, तो उठा नहा धो के फ्रेश हो गया, चाय वाय अभी पीनी है कुछ, अभी चाय पीने जाना है। और कल का ये था कि कल बाकी लोग भी आए, हम लोग मिले, गप्पे मारी, खूब मस्ती करी, 12 बजे सो गए भाई, एकदम थक गए, पूरे दिन की थकावट थी। और ये सूख रहे हैं हमारे गेयर्स, और ये हमारे शूज, और कमरे के हालात कुछ ऐसे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे आप सब आज? मैं बहुत बढ़िया भाई, टॉप ऑफ टॉप। और आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि अभी जाके देखते हैं कौन कौन उठा है, कौन कौन नहीं उठा, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने। कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक निकल जाए, बाकी कितने बजे निकलते हैं, क्या होता है, वो तो आप आगे ब्लॉग में देखते रहेंगे। सुबह मोर की आवाज इतनी अच्छी, चश्मा मेरा फॉग आ गया भाई, मोर की आवाज इतनी अच्छी लग रही है ना भाई सुबह सुबह इतनी। और कल पता क्या है, कल हम लोग आ रहे थे ना, गोप्रो मैंने अंदर रख दिया था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था बट बारिश की वजह से। बट मेरे सामने से यार, जैसे गली में से जा रहे हैं, इधर से मोर उड़ता हुआ गया दूसरी जगह। मैं कहा यार उस समय गोप्रो होता ना मज़ा आ जाता है यार, बट वो मिस कर गए। बट कोई बात नहीं, आज जाएंगे, आज अभी मौसम तो अच्छा है, बारिश जैसे ही है, बट बारिश हो चुकी है मेरे ख्याल से, अभी तो नहीं हो रही, तो आज रिकॉर्ड करेंगे कुछ बढ़िया मिलेगा तो बढ़िया। मुझे लग रहा है कोई आया नहीं है यार, कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ उठा हुआ ऐसा। तो अभी भी फॉग आई हुई है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, कैसे पकड़ा जाए। और इस जगह की खास बात पता है क्या है, सामने इनके 70 एकड़ के फार्म्स हैं, पीछे प्योर वेजिटेरियन प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा ना वो इन हाउस है। मतलब आप पुदीने की चटनी बोलो, पकौड़े आलू बोलो, टमाटर बोलो, प्याज बोलो, जो सब्जी बनेगी जो बनेगा इन हाउस है, गाय भी इन हाउस। चाय मिलती है गाय के दूध की, घी मिलता है गाय का, तो सब कुछ प्योर सुपर ऑर्गेनिक है भाई सब कुछ यहाँ पर। अब ढूंढने आओगे जगह ढूंढ नहीं सकते हैं, ये अमित भाई ने ढूंढ के रखी हुई थी जगह, वो एक बार पहले 2-3 बार आ चुके हैं बल्कि। प्रॉपर्टी बहुत बहुत शानदार प्रॉपर्टी। दादा कहाँ है? दादा यहाँ बैठे हैं। सर वो बंद कर दो, हमारा रात का 11 बजे तक है, 11 PM। अभी कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं। सो ले अब क्या? सोने का फोन देखो हैं? मैं नहा के आया, मैं कहा शरद जी कहाँ गए यार? कैसी रही नींद? आई बस ना, लेट थे गोल सीधा सुबह उठे पहले चाय बोलिए उसको भी वहीं पर, तो मैंने वहीं चलते हैं। क्या नितिन भाई मॉर्निंग कैसी आई? एक नंबर, लेट योर गोल, ब्रश फुल टूल सेट, बगैर पिए पिए का मजा लिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। 2 दिन से नींद जो बस मॉर्निंग बॉस, तो 12:15 लेटे और सुबह सीधा 6:10 पे उठे। मॉर्निंग, राम राम जी, राम राम, राम राम जी। ये बढ़िया सर, राधे कृष्ण। यार इसने ना ऐसे किया, ये अजीब सा पढ़ने में आया फिर। कपड़ा मार गया, कपड़ा मार गया। जीपीएस रह गया, बाकी सब उड़ गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जीपीएस देखने गए थे कि सिर्फ जीपीएस है, बाकी जीपीएस दे दिया, थैले में बाइक ले गया। एक जगह और बताते चाहिए डॉक्टर साहब, ये आईफोन की नई स्कीम आई है 15 का। थैंक यू, कहाँ थे पूरे दिखे नहीं यार। आपको जुगनू राइडर समझते हैं? अरे ये कह रहा था, ये ब्यूटी कम इन हिज ड्रीम्स। क्या दो इतना दिल पे ले गए सर, दोस्त की दाढ़ी तक बना सकते? अरे कल तो पता नहीं क्या क्या बनाया मैंने। क्या बोला तूने? कभी आपने सुना है ओप्पो का 1 लाख का फोन करके बात है? कल स्क्रीन तोड़ रहे थे, आज गायब करा लो सर। शौक बड़ी चीज है दादा, इनके लिए 15 मोबाइल में। आपको क्या पता है, एक तरीके के दो पॉइंट लेके घूम रहे हो आप। क्या बात है डॉक्टर साहब, छा गए हो।
दूर से दिखोगे। क्या धुआंधार वेदर हो गया भाई, क्या बारिश आ रही है। आगे अपना ब्रेकफास्ट लपेड़ा अचार होता है यार, ये पोहा आलू का परांठा और गाय का दही, और ये सब खातिरदारी हो रही है गजानन जी की तरफ से हमें। कल से इन्होंने हमको देखा हुआ हर, मतलब सारी जो भी एक खाने पीने का हिसाब है ना, सब गजानन जी कर रहे हैं। रात के 12 बजे तक लग रहे हैं हमारे साथ, चाय आई है 12 बजे रात को। दोस्त है, ये जो चौक आएगा ना वहाँ रोक लियो, गन्ने का वो गन्ने का जूस पी लियो, उसमें वो अदरक डलवा के तेरा टोटका कट जाएगा, फिर तू जाइयो। और नींबू, किस चीज का ये फिर वो एकादशी में चावल खा लिया हर चम्मच के साथ एक नींबू लेगा। ऑल सेट, अब निकल रहे हैं सालासर बालाजी के लिए, सब रेडी है, हेलमेट हाथ में है। ई भाई रेडी हो, बाल सफेद आ गए आपके भी, हैं डाई कर रहे हो? पहले ऐसे ही डार्क काले हैं। चीटा 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 बहुत गया। बाकी लोगों को देखते हैं कहां पर हैं अभी, तो आ गए तैयार हो गए सारे? कोई नहीं आया, बुलाओ यार, धक्के मार के निकालो सबको। दादा की गाड़ी साफ हो रही है, दादा इज वेरी पर्टिकुलर की गाड़ी मेरी साफ होनी चाहिए, धुलाई हो गई एकदम चकाचक हो रही है। तो आज आपका भाई चलाएगा क्लासिक 500, ये चला के देखते हैं कैसी, अब थोड़ा सा फील लेते हैं इसका भी। और अपनी यही खड़ी रहेगी केटीएम, केटीएम लेके नहीं जाएंगे आज, आज एक के पीछे एक लद के जाएंगे सारे। सारी बाइक्स क्यों लेके जाने यार, आज एक के पीछे एक लद के चलते हैं। तो आज जरा पिगासस 500 का फील लेते हैं कैसी है। वो नहीं है, ये वाली है भाई, ये आ गया अपना भाई, रॉकेट बन के आ जाए। हाय 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 हाय, ऑल रेडी, नितिन भी रेडी है, शाहबुद्दीन भी रेडी है, सी भी तो है ही रेडी, जी भी ऑलरेडी रेडी। दादा की गाड़ी चमक चुकी है, दादा चमके नहीं, गाड़ी धुल चुकी है, दादा बगैर नहाए घूम रहे हैं तब से। भरवाने के लिए रुके हैं सारे, फ्यूल भरवाना है और बस पेट्रोल तो खत्म ही है। बुलेट का मजा बहुत आ रहा है भाई, मजा आ रहा है बुलेट चलाने में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बुलेट क्या है, पिगासस 500 है, 350 वाली क्लासिक वाली नहीं है, ये दूसरा मॉडल है, 500 है दूसरा मॉडल है, और थोड़ा हैवी है यार, मतलब मजा तो है बट हैवी है। सस्पेंशन ट्रेवल थोड़ा सा कम है, बाकी और चलाऊंगा, अभी तो चलाई नहीं है, 1.5 किलोमीटर ही चलाई है, पेट्रोल खत्म था सबका, तो पेट्रोल भराने आए हैं, तो अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। कह रहे पैसे खत्म हो गए, चश्मा ले लो नहीं तो घड़ी ले लो, गाड़ी रख लो, लो ले लो, मुझे दे देना इनका बिल में, सब है। भैया भी ग्रेट है, कहता सब है हमारे पास, अभी कुछ नहीं चाहिए। ऑटो कट कहाँ होगा, नलकी बाहर निकल रही है ऊपर, वो बना हुआ है ना, भैया ध्यान से छोड़ के ऐसा ना कपड़े भी पेट्रोल वाले हो जाए। क्या रेट है, 109 रुपए? अच्छा राजस्थान है ना, राजस्थान में महंगा ही होता है यार। यार ये नहीं हो रही भाई, स्टार्ट साइड पे रोकता हूँ, गोप्रो भी हैंग हो गया, बंद करके रख रहा हूँ अंदर, अरे हैंग हो गया बेकार में, गुस्सा आता है इस चक्कर में। भाई बाहर का मंजर कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है भयंकर, और एक पेट्रोल पंप बंद था वहां आ गए, और ये हमारी आजा लीमा में बाहर घूम के आ जा, ये देख रहे ये रेनकोट में, कंटेंट बन गया भाई साहब, कंटेंट आ गया, वो कंटेंट पहले आ चुका है, ये भीग के आ गया, ये ऐसे ऐसे भीगे और अंदर आ गए, पानी गिरा रहा है वही है। तो ये सारा इतना भयंकर बारिश है, बैठ रहे थे अभी, बैठे हुए थे अभी खड़े हो गए, इंदौर पर बैठ गए जाके। अरे चाय आई नहीं, अब तो रोड पे पानी भर गया, तो आई नहीं, पीछो पीछो पीछो। मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर आए हैं यार, ये हालत है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आज बालाजी के दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और पिछले आधे घंटे से हो रही है मेरे ख्याल से, आधा पौना घंटा हो गया इसको होते हुए, आधा घंटा हो गया इसको होते हुए। बाद इन्होंने हिम्मत करके बाहर निकलते हुए बेबी को पछाड़ते हुए उनके इमोशंस को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए सारे ब्लॉगर बने हुए हैं, सारी ब्लॉगिंग हो रही है, रील्स डाल रहे हैं सारे, और बुरा हाल है भाई, ये देखो मेरा है, ये भाई ये मेरा हेलमेट है, चाहिए? नहीं नहीं इसमें बैठूंगा ना, बैठना है, बैठो, थैंक यू। ये देखो इसी भाई अपनी रील बनवाते हुए,
दादा पौने घंटे से ऊपर हो गया और इस समय हालत खराब है, लग नहीं रहा कहीं से बारिश रुकेगी है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जिस काम के लिए आया यार वो अटकना नीचे भाई। वाला जी इच्छा होगी आप जरूर जाओगे, चाहे ये बात अगर नहीं इच्छा होगी ना तो पहुंच नहीं सकता वहां तक, निकल जाएगा फिर भी नहीं पहुंच सकते, जलजला आ जाए लग ऐसे रहा है मेरे को भाई, पानी भर गया सारा बाहर। रेन गैस पहने हुए और मंजर तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। श्री भाई क्या लगता है बारिश बंद होगी? पानी भगवान चाहते नहीं कि हम उनसे दर्शन करें, लेकिन हम भी जितनी हम मिलके ही रहेंगे भगवान, मिलके जाएंगे, कोशिश पूरी है। डॉक्टर साहब ये बुलेट छोड़ दो, ये ले लो, ये छोड़ रहा हूँ ये ले रहा हूँ। हैं बुलेट छोड़ रहा और इसकी जीएस ले रहा है, तो ये आगे बुलेट में जाएगा? नहीं नहीं वो कह रहा मैं बुलेट छोड़ रहा हूँ ये लेके जा रहा हूँ। तो ये आपकी ट्रैम्प है और हार्ले आई नहीं बनी, इसमें क्या क्या चीज थी? ट्रैम्प में क्राइम है अच्छी और हार्ले में आते अच्छी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सीधा सीधा बताना भाई जो वो पूछ रहा है। क्या अच्छा है, मैं क्या अच्छा बताऊं? तो दोनों कैसी है, बुलेट से कंपेयर कर रहे हैं और ये थ्री टन से कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सजेस्ट करना यार, एक्सपीरियंस आदमी है भाई। दोनों में ऐसा है, दोनों में देखो उसके दो टायर हैं, ठीक है, एक एक हेडलाइट है, पीछे तो टेल लैंप है। ओके ओके ओके। और सबसे बड़ी बात दोनों में ट्यूबलेस टायर है। अच्छा, हॉर्न भी बजता है। ओके, कितने डेसिबल का साइलेंसर भी लगा हुआ है? सिंगल डबल? सिंगल सिंगल। और फुटरेस्ट दो मिलेंगे आप, ओके, एलियन के लिए भी दो फुटरेस्ट, पेंटेड गाड़ी मिलेगी आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैचलेस, नहीं जी मिलेगी? हाँ नहीं मिलेगी, पुरानी लेनी है? पुरानी लेनी है, पुरानी तो अभी आई नहीं ना, नहीं आई पुरानी आई, एक बार शोरूम में आ जाए आप, जाके उसके ऊपर वो मार देना अपना कुछ भी स्क्रैच, ओके, शोरूम वाले कुछ गिफ्ट भी देंगे साथ में। ये रिव्यू सी भाई के हैं, बहुत अच्छी, उस मामले में बहुत अच्छी, रात में तो भैया 1 किलोमीटर तक दिखता है सामने मेरे सामने। किस चीज से दिखता है? ये लाइट से, हेडलाइट जो आपकी लगी ऑक्सिलरी लाइट है, ये बेसिकली आर्टेक कंपनी की है, ये है तो चाइनीज लेकिन ये आर्टेक जो है इंडियन ओईएम है, तो ये क्या करते हैं ये चाइना से इम्पोर्ट करते हैं उसको और यहाँ पे लाके इसको अपना ब्रांडिंग करते हैं और इसको प्लस उसके पास क्या करते हैं इसको आपको 1 साल की वारंटी भी देंगे, आर्टेक वारंटी। क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ तो राइडर को छोड़ते हैं। तो आपके पास कितनी आते हैं? मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 आते, 5 आते हैं। तो मतलब दो सब मिला के 2 किलोमीटर या सभी 2-2 किलोमीटर देख लेते हैं ऐसा ही सभी है। यार। बारिश तो हल्की सी कम हुई है और इधर आ गई है चाय और डाल भाई, चाय तो अच्छी बनाई है भाई, इलायची इलायची डाल के, और ये आ गए बिस्किट के पैकेट, पूरा ही पैकेट ले आए आप भी हैं, पकड़ो दादा। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बारिश में आप लेके आए, चाय बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत ही ऐसा काम कर रहा है भाई। ये क्या नाम है जी आपका? नाम निर्मल। निर्मल बहुत शानदार चाय बनाई है निर्मल जी, मजा आ गया बारिश में। साहब भाई पहली बार अंदर कौन है और? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनकी बाइक है, ये आपके बगल में दो खड़े हैं, इन दोनों की है, दाया बाया की, दाया बाया की बाइक है ये। ठंडी हो कैसी चाय ऐसे भी बढ़िया ना? बहुत बढ़िया भैया, पैसा नहीं, चाय ले लो, जाओ, इनकी कीमत नहीं है, बाइक की कीमत नहीं है, जिंदगी है वो, जिंदगी जिंदगी की कीमत नहीं होती, मोटरसाइकिल की कीमत नहीं होती, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो बैंक का डाका डालने काम में डाका डाला बाइक दिया अपना तो। ये लो। क्या शरद जी हेलमेट पहन के ट्रैक्टर? यस। अरे हैंडसम लग रहे हो एकदम, इसमें स्पीकर सिस्टम भी लगा होगा गाने का। बारिश एकदम से बंद हुई और फटाफट भाग गए यार वो, तैयारी मतलब जैसे हालत में थे फटाफट का गियर अप किया और निकल गए, और रास्ते में फिर वही हालत, और अब एक मंदिर में शेल्टर लिया हुआ हमने, बचा रहे हैं अपने आप को, बाकी हल्की हो गई भाई बारिश से, फटाफट गियर अप होके निकलते हैं, सब तो हो गए, मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, फिर बारिश शुरू, फिर रुक गए भाई, ये होटल आएगा ना, इस होटल के वहाँ रुक गए,
डॉक्टर साहब फोन चमका रहे हो गीला हो गया सारा, और ये ग्लव्स के सारे कलर निकलने लग गया लेदर का, हाथ में लग गया कलर, तो वो भी है। हेलमेट हमारे ये पड़े हैं और परीक्षा ले रहे हैं दवा खेलने की। भैया इतनी आसानी से दर्शन दूंगा, आयो अच्छे से आओ, थोड़ी सी तकलीफ लो और फिर अच्छे से दर्शन लो। बारिश स्लो हो गई है तो गियर अप करके फटाफट निकलते हैं। अमित भाई तो तैयार होके स्टार्ट कर लिया उसने, तो मैं कर रहा हूँ। तो फाइनली पहुंच गए यार यहाँ, अपनी लगा दिया गाड़ी, ये रहा नितिन और ये रहा साबुद्दीन। तो फाइनली मेड इट, मंदिर तक पहुंच गए। यहाँ बारिश कुछ नहीं है, बादल है बस, बाकी तो सूखा ही है सारा भी यार पहले यहाँ पर। चलो फटाफट रेन गियर उतारते हैं और मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रेन गियर उतर गए भाई, नॉर्मल सिनेरियो में आ गए, हेलमेट लेके जा रहे हैं अंदर। अंदर हेलमेट वगैरह अलाउड है, जो भी पुलिस वाले अंकल ने बताया। अंकल क्या है भैया, ये अपनी उम्र बढ़ जाती है, बट अपने को अंकल, मेरे को अंकल ही बोलना भैया, तो ऐसा है। तो भीड़ ज़्यादा कुछ लग नहीं रही है, बाकी देखते हैं कैसे चलता है। मैं पहली बार आया हूँ भाई यहाँ पर। मंदिर किधर है, दर्शन इधर है, मंदिर इधर है ना, तो नितिन लगा रहा किधर है, वो उधर खोल रहा है। कृपया जूते यहाँ पर खोलें, कहाँ पर, अच्छा उधर होगा जूता घर होगा, बस ठीक है रख देते हैं वहीं पर। ऊपर से आना पड़ेगा, आपकी एंट्री कहीं और से है। हाँ एंट्री कहाँ से है पता नहीं है। ज्यादा रश नहीं है बट लाइनें ऐसे बना रखी है इन्होंने, बंद जा रहा धक्का मुक्की ना हो लाइन में, सब चलते रहे तो हम लाइन में लगे हुए चल रहे। दर्शन बहुत अच्छे हो गए यार, भीड़ हम सामने ज्यादा नहीं थी, बट वीडियो अलाउड नहीं था, फोन अलाउड नहीं था, कैमरा अलाउड नहीं था, तो वीडियो नहीं बनाई। बस यार जूते उतर गीले पहन के वापस आ गए बाहर, और अब लगी भूख बहुत तेज, कुल टाइम हो गया 5:35 और लंच हमारा अभी तक हुआ नहीं है, तो बस यही कुछ खाते हैं। आई थिंक फ्रेड ब्रेड मिलेगा जो मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। मैं तो पहली बार आया हूँ यार। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, जितना कष्ट मिला था उसके मुकाबले बढ़िया दर्शन हो गया ना, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। रास्ते में भी कोई ऐसी एक्चुअली परेशानी नहीं हुई, एंजॉय किया, एडवेंचर किया, वो परेशानी नहीं है वो। हाँ भाग जाएंगे तो बेटर, आने दो इनको। अभी क्या प्रोग्राम भाई? बालाजी के दर्शन करने के बाद यार यहाँ पर आए अब दर्शन करने। बहुत विशाल मूर्ति है क्योंकि, और ये भाई लोग सब बैठे हुए हैं थक गए सारे हैं। नहीं फोटो बैठे हम, फोटो के लिए बैठे हैं। अब भाई चल रहे हैं सीधा खाना खाने या चाय पीने, देखते हैं क्या करते हैं। अमित कहीं लेके जा रहा है, कह रहा बाहर कुछ है अच्छा, तो वहीं चलते हैं। और अभी तो मैं यही चलाऊंगा और बाद में देखते हैं बाद में क्या चलाते हैं। भाई यहाँ पर आके रुक गए हैं, फास्ट फूड पे लेते हैं या इस पे लेते हैं, पता नहीं किस पे लेते हैं। अभी सामान बस हेलमेट रखे हैं एक जगह पर, और थक गए हैं बहुत ज़्यादा, जूते बहुत ज़्यादा गीले हैं भाई, छप छप हो रहे हैं अंदर से, सॉक्स वॉक्स सब छप छप हो रही है। हम लोगों ने मंगाई मैगी वेज और उसमें आई गोभी विद हल्दी, कच्ची हल्दी। तो फाइनली वी आर बैक, हार के सब अब आए हैं, टाइम हुआ है 8:40। देखना ही नहीं है उधर, रॉकेट चला देना। हम सब बाइक्स पे गए थे और दादा अपनी जीप कंपास में। तो यार आगे थक गए थे, नहाए धोए फटाफट यहाँ पर आ गए लंच डिनर करने, और डिनर में आज है कड़ी पनीर सांगरी और बाजरे की रोटी लहसुन की चटनी और सैलेड। एक नंबर ना, बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर।